पहले पति से परेशान महिला ने की दूसरी शादी। अब दूसरे पति ने दहेज का सामान रखकर महिला की मारपीट कर घर से निकाला। पीड़िता ने दहेज का सामान वापस दिलाने और दूसरे पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जनसुनवाई में दर्ज कराई शिकायत। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली करोदी कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने अपने पति से परेशान होकर 7 माह पहले एक युवक से दूसरी शादी कर ली, लेकिन महिला के नसीब में पति का सुख नहीं लिखा है। दूसरे पति ने भी महिला को कुछ समय साथ रखने के बाद दहेज का सामान रखकर महिला की मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, दूसरे पति ने महिला की झूठी शिकायत कर उसे बदनाम कर दिया। महिला ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित सुनवाई में दहेज का सामान वापस दिलाने और दूसरे पति के द्वारा झूठी शिकायत कर बदनाम करने के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रजनी कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? सिरसौत रहती हूँ। क्या समस्या लेकर आए थे आप यहाँ? पति को बेटी मेरी शादी कर दी सिरसौत में, तो उसने मुझे मारपीट करी, नहीं कुछ रखा नहीं है मेरे को, और बच्चों को मारपीट करता है और पैसे मांग रहा है कि तू जा तेरे भैया से पैसे लेके आ। कब हुई थी आपकी शादी? ये अभी 8 महीने पहले हुई थी। तो क्या इससे दूसरी शादी की थी आपने? हाँ, इससे दूसरी शादी की थी। क्या नाम है आपके पति का? रामलखन कुशवाहा। दूसरे वाले का? हाँ। तो अब पैसे मांग रहा है वो? पैसे मांग रहा है। नहीं, वीडियो वायरल करने की भी कह रही है आपने, कोई वीडियो वायरल कर रहा है वो? हाँ, वीडियो वायरल कर रहा है, मेरी फालतू की झूठा इंजाम लगा रहा है मेरा। किस प्रकार की वीडियो है? वीडियो में क्या आया? किसने वीडियो बनाया था? आप कौन से वीडियो वायरल कर रहा है आपके? वो वहीं से कर रहा है, सिर्फ यहीं पे आया था करने। अच्छा अच्छा, आपकी शिकायत करके, झूठी शिकायत करके, और कर रहा है वो मेरी। अच्छा अच्छा, झूठी शिकायत कर रहा है आपकी। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये सब, मैं उसके यहाँ नहीं, वो मुझे नहीं रख रहा, कह रहा मैं नहीं रख रहा, मेरा सामान वामान पैसे वगैरह नहीं दे रहा, मेरा सामान रख लिया पूरा, मैं सामान लेने गई हूँ तो मुझे भगा दिया। अच्छा, आपका कितना सामान है उसके पास? पूरा सामान है मेरा दहेज का। दहेज का सामान और नगद पैसे भी हैं आपके? नगद पैसे दिए हैं। कितने पैसे नगद आपके दिए? 50,000 रुपये नगद दिए। तो अब आप क्या चाहती हो? पैसे वापस लेना चाहती हूँ, मेरा सामान वापस लेना चाहती हूँ, मेरा पैसा वगैरह सब वापस लेना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ उससे। अच्छा, थाने में शिकायत की थी आपने? हाँ, थाने में शिकायत की थी।